अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, और जब से ट्रंप आए थे तो अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात एक पीक पर पहुंच चुके थे। इसकी एक वजह चाइना भी है, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। क्योंकि ट्रंप अब हार रहे हैं, उनके वोटिंग की तादाद अब 213 या 14 बन रही है, जबकि दूसरी तरफ जो बाइडन है उनके वोटों की तादाद 264 तक बन चुकी है। ये इतना बड़ा गैप है कि अब ये माना जा रहा है कि जो बाइडन ही अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट होने वाले हैं। दोस्तों जो बाइडन का इंडिया ने बहुत ज्यादा जमकर मुखालफत की है, और जो बाइडन इस बात को मानते हैं कि इंडिया एक टेररिस्ट कंट्री बन चुका है। उनके आने से पहले ही एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है जो कि CIA की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों आपको हमारी स्क्रीन नजर आ रही है, चलिए हम आपको बताते हैं कि इंडियन मीडिया जो चीख चीख कर ट्रंप को सपोर्ट करता रहा, उसका असर अब इंडिया पर क्या होने वाला है। लेकिन अगर क्या होगा, डेमोक्रेट जीत गए तो फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात का क्या होगा। ट्रंप तो इंडिया को इस्तेमाल करते रहे चाइना के खिलाफ, लेकिन इंडियन मीडिया ने ट्रंप को हीरो बनाकर पेश किया है। दोस्तों अब आपको एक नए अपडेट के बारे में बताते हैं जो CIA की फैक्ट बुक पर अपडेट हुआ है, चलिए चलते हैं। दोस्तों मैं CIA फैक्ट बुक की वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। ये जो आपके सामने है ये CIA की वेबसाइट है जो ऑफिशियल है, इसमें दुनिया भर की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम इसे खोलते हैं और यहाँ पर कंट्री में जाकर इंडिया को सिलेक्ट करते हैं, और इंडिया के बारे में जो CIA की इन्फॉर्मेशन है जो वो अमेरिकन लोगों को दिखाना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर इंडिया हमने सिलेक्ट किया, और इसके बाद हम ट्रेवल फैक्ट में जाएंगे। ट्रेवल फैक्ट जो कि डेली अपडेट होते रहते हैं, इसलिए हमें लिंक पर क्लिक करके उस पेज पे जाना पड़ेगा। दोस्तों हम उस पेज पे आ चुके हैं और हम देखते हैं कि इंडिया अमेरिकन के लिए सेफ जगह है या नहीं। इस यहाँ पर हम कलर्ड मैप पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना होगा और एक कलर मैप निकलेगा। ये दुनिया भर के तमाम ममालिक का कलर मैप है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये US अपने US सिटीजन को ट्रेवल एडवाइजरी दे रहा है कि इन ममालिक में आपको जाना है, और यहाँ पर आपको रिस्क है और यहाँ पर आपको हाई रिस्क है, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आपको किसी लिहाज से नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इन कलर्स का क्या मतलब है। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान का मैप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मैप पर आपको लाइन्स दिखाई दे रही है। CIA ये कह रही है कि आप इस मुल्क में जाइए, लेकिन आपको रिस्क होगा, सिक्योरिटी रिस्क होगा। हम इंडिया के जरा करीब जाते हैं और इंडिया का कलर देखिए कि आपको ऑरेंज टाइप का कलर दिख रहा है। तो यहाँ पर आके देखिए कि CIA अपने लोगों को क्या एडवाइस कर रही है कि इस मुल्क में ना जाइए, ये एक टेररिज्म का घर बन चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं जाना। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, और ये आप ये समझ लीजिए कि नए आने वाले जो सदर है वो इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा नाराज है। क्योंकि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ट्रंप और अमेरिकन की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटर होकर ट्रंप को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और इसी वजह से ये जो नए जो बाइडन आ रहे हैं वो इंडिया से इंतहाई खफा हैं। इसलिए उनके आने से पहले ही इंडिया को सबसे पहला स्टेप तो ये है कि ट्रेवल एडवाइजरी के लिए इंडिया को आपने देखा कि ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान जो है वो पहले से ही उन्होंने हाई रिस्क कंट्री में डाला हुआ है, लेकिन इंडिया को डू नॉट ट्रेवल में डाल दिया है। यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन को जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये एक टेररिज्म का घर बन चुका है। दोस्तों देखिए कि ये एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को आग की तरह फैला दें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। आप दोस्त ज्यादा वीडियो शेयर नहीं करते तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके ये कंट्री इंटरेस्ट के मुतालिक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप भी हमें बताइएगा। इस ट्रेवल मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा ताकि आप अपनी आंखों से भी देख सकें और आप यकीन कर सकें। दोस्तों इस तरह के अपडेट्स अभी आते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए हमारा पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर लाजमी क्लिक करें। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।